सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और मंडे और फ्राइडे को जो आपका क्लास नहीं हुआ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेई का, वो क्लास का टाइम जो है आज से स्टार्ट कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं जा रहा हूं पटना कुछ मीटिंग से, और वहां पर मीटिंग हुआ भी, बात भी बहुत हुआ, लेकिन बात नहीं बन पाई कुछ कोचिंग सेंटर के साथ। क्योंकि उनका कहना था कि सर अपना YouTube का चैनल और वेबसाइट और अन एकेडमी पर पढ़ाना बंद कर पटना पर आ जाइए, आपको बहुत सारा अमाउंट दिया जाएगा, पैसा ठीक ठाक है। लेकिन मेरा एक ही कहना था सर, जहां से मुझे पहचान मिला है उस चीज को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि सर आप देखोगे तो मैं सर यहां से ऑलरेडी 2 से 2.5 लाख रुपए मैंने कमा लेता हूं सर। ये बात की बात हुई। देखो मेहनत के ऊपर डिपेंड है, और हालांकि मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपके साथ पढ़ाता हूं, और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता ऑनलाइन कि आपसे एक पैसा भी मैं लेता हूं। जो भी मेहनत करता हूं आप सभी के लिए, और बहुत ईमानदारी के साथ। अब एक बात अटक कर कहीं ना कहीं ये आती है कि जो बात हुआ हुआ, वो सब बात छोड़िए, आपको सही मायने में अच्छे से कंटेंट मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद पटना में एक चीज मैंने फील किया है बहुत डीपली, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये चीज मैंने फील किया। मैं कन्हैया सर गया था, और आप, मैंने एक चीज फील किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर से जाते हैं कहीं, मान लो पटना ही जा रहे हैं, मे बी एक पटना एक ऐसा सिटी है, मान लो दिल्ली भी है आपका, जयपुर भी है, पटना भी है, जहां पर स्टडी का हब है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना एक ड्रीम लेकर घर से जब निकलते हैं तो एक ड्रीम लेकर निकलते हैं कि मुझे बैंक पीओ बनना है, रेलवे में जॉब करना है, एसएससी में जॉब करना है। और मे बी वहां पर एक चीज मैंने बहुत अंदर से फील किया है कि कोई भी स्टूडेंट जब घर से निकलता है तो बहुत सारा उम्मीद लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में पटना पहुंचने से पहले रास्ते में जो उसका टारगेट है ना, जो मोटो है, जो उम्मीद है, जो सपना है, जो ड्रीम है, वो यहीं पर छूट जा रहा है। पटना पहुंचने के बाद वो किसी और ही दुनिया में खो जा रहा है। दोस्ती यारी, वहां का फैशन, लाइफ स्टाइल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब चीज भूल जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप वहां पर मस्ती जो कर रहे हैं, जो वहां पर आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी जब इसे बुक कर रहे हैं, जो वहां आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, वो जो मस्ती, जो इंजॉयमेंट वाला दिन है ना, वो सब आपके बलबूते पर नहीं है। जो भी आप जी रहे हैं उसमें एक एक पैसा आपके मम्मी पापा का है, उस पैसे से आप वहां पर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और सिर्फ लाइफ गुजारना नहीं है, वो पैसा क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा हर महीने में 5,000-10,000 रुपए कैसे भी कर कष्ट कर आप पूछते भी नहीं होंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, आप कैसे दे रहे हैं। मां बाप का फर्ज है कि जो पैसा लग रहा है वो दे, कितना भी कर्ज ले लें, तो वो हर महीने कैसे भी कर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि बस मेरे घर से आउट गोइंग जा रहा है, बस पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन जो पैसा जा रहा है उसका इनकमिंग है कि नहीं, वो पैसा आएगा कब। इनको जो आपके मदर फादर है, पापा मम्मी है, उनको तो उम्मीद लगा हुआ है, वो तो अगल बगल भी बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा पटना गया है तैयारी करने, लेकिन जमीनी असलियत है, हकीकत है, वो है क्या। वहां पर जाने के बाद बच्चे पढ़ क्या रहे, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी 1 साल तैयारी किया हूं, एग्जाम निकाले हैं, तो और पटना में जाकर नहीं, घर में रहकर भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पटना ही जाना है, यहां पर पढ़ना है। और मैंने देखा है, ऐसा नहीं, ये नहीं बोलूंगा कि 100 में 100% जो स्टूडेंट है वो यही कर रहे हैं, ऐसा मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोल सकते हैं ईमानदारी के साथ कि 100 में ना कम से कम 80% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहां के पहुंचने के बाद उस दुनिया में खो जा रहे हैं। और मैंने एक चीज और देखा, एक्चुअल मैं गांव से हूं, देहात से हूं, एक्चुअल मैंने ऐसा देखा नहीं था पटना मुंबई और दिल्ली में इतना मतलब होर्डिंग लगा हुआ है। पटना में जाने के बाद हर एक गली में, हर एक चौक पर, सभी जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, मेरे जगह ये होता है, वो होता है, मेरे जगह
मेरे पास से टॉप वन निकला है, टॉप टू निकला है, इसका मेला बहुत ज्यादा है। और इसी चीज में ना स्टूडेंट्स क्या है, पूरे फंसते हुए चले जा रहे हैं। वहां पर कोई एक ऐसा भी होर्डिंग नहीं था, मैं सच्चाई बता रहा हूं, एक ऐसा भी पोस्टर नहीं था। पूरे पटना में मैं पोस्टर खोज रहा था, एक पोस्टर भी ऐसा नहीं मिला जहां पर यह बोला हो कि मेरे पास 100% स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें कितने प्रतिशत रिजल्ट हम लोग दिए हैं, यह कहीं नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया कि मेरे पास से 4 नंबर रैंक किसका निकला है, 6 नंबर 1 निकला है। आप बस टॉपर की गिनती करवा रहे हैं। अगर आप 1000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और उसमें 3 बच्चा आपका टॉपर निकल गया, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास से टॉपर निकला है, लेकिन बाकी 997 का क्या? तो ये कहीं ना कहीं आपको होर्डिंग के द्वारा आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। मैं चाहता हूं हर एक कोचिंग सेंटर को यह बताना चाहिए कि प्रतिशत कितना है, आपके पास से प्रतिशत में कितने बच्चे निकल रहे हैं। क्योंकि मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक टीचर आपको वीडियो में समझा सकता है, बता सकता है, गाइडेंस दे सकता है, लेकिन ऑफलाइन में आप उस टीचर के पास रहते हैं, पढ़ते हैं, टीचर से डायरेक्टली बात करते हैं, तो टीचर बच्चों को आप अच्छे से समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वहां पर बॉन्डिंग अच्छा बनता है। तो मे भी ऑफलाइन में ज्यादा चांसेस होते हैं टीचर से बॉन्डिंग आपका बनने का। ऑनलाइन क्या है, आप मेरे वीडियो आज देख रहे हैं, कल नहीं देखेंगे, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये तो यूट्यूब तो ही है, सिर्फ पढ़ाई तो करना है, कल वीडियो नहीं देखे, सीरियस नहीं है। तो ऑनलाइन से ऑफलाइन को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर भी 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस है एग्जाम को लेकर। ऑनलाइन भी क्या है, कुछ स्टूडेंट तो हैं जिनका रिजल्ट आता है, वो टीचर को अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, पकड़ते हैं, उसे बॉन्डिंग अच्छा बनाते हैं ऑनलाइन होने के बाद भी, और चीजों को फॉलो करते हैं। तो मेरा बताना बस यही है कि आप लोग घर से जो ड्रीम लेकर चल रहे हैं, अपने मम्मी पापा का सपना लेकर चल रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, उस सपने को अपने माइंड में रखिए। क्योंकि आप घर से निकल रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है आपके मम्मी पापा पैसा कहां से भेज रहे हैं, और अगर आप घर से निकल रहे हैं यह सोचकर कि तैयारी करने जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए दिमाग में है, और 2 दिन के बाद, 2 दिन होते ही आप ये सब चीज अगर भूल जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपसे खराब बाल बच्चा या बेटा बेटी कोई हो ही नहीं सकता। कि आपके दिमाग में एक टारगेट है अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने का, और वो टारगेट मात्र 2 दिन के लिए आपके दिमाग में है, फिर निकलकर उस दुनिया में खो जा रहा है जहां पर मस्ती है, जोमेटो है, स्विगी है, होटल है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। तो ये कैसा दुनिया है जहां पर जो आपको पढ़ा रहा है, जिसके पैसे पे आप मस्ती कर रहे हैं, जिसके पैसे पर आप फाट दिखा रहे हैं, जिसके पैसे पर आप शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं लिवाइस का जूता पहनता हूं, टी शर्ट यार रेड टेप वगैरह, अब जो ब्रांड दिखा रहे हैं, वो ब्रांड के पीछे भी एक एक पैसा आपके मां पापा का मेहनत का है। और ऐसा नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बाप के पैसे पर मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों को दिखा रहे हैं कि यार मेरे पास ना ये देखो बफोलो का जींस है, तो भाई मेरे पास रेड टेप का टी शर्ट है, शूज है। तो ये सब जो दिखा रहा है ना, ये बहुत बड़ा काबिल का तारीफ नहीं है। आप बेवकूफ है कि आप अपने पापा के पैसे पर इतने उम्र होने के बाद भी मस्ती कर रहे हैं, ये आपकी कोई काबिलियत नहीं है, ये नौटंकी है। आपका तारीफ तो जब होगा तब आपके पापा आपके पैसे पर मस्ती करेंगे ना। देखो एक बात याद रखिएगा, बहुत डिफरेंस है दो बातों में, मैंने पर्सनली फील किया है। अगर पापा के पैसों पर मस्ती करेंगे ना, तो वो खुशी नजर नहीं आएगा और ना आपके पापा खुश होंगे। लेकिन जिस दिन आपके पैसे पर आपके पापा मस्ती करेंगे ना, तो आपके पापा को सच्चे में खुशी होगी एक बेटा या बेटी पैदा करने का, कि उनके पैसे पर वो मस्ती कर रहे हैं और प्राउड फील करेंगे। और कहीं ना चाहकर भी ना, वो जो रियल खुशी होती है ना, सच्चाई वाली खुशी, वो आपको फील होगी। तो आपको सोचना है कि बस यार बहुत खराब लग रहा था वहां पर। आप देखे होंगे पटना में बुद्धा विहार, आपने देखा नहीं होगा वहां पर, बस
जो अपार्टमेंट है आपका, क्या नाम था, मयूरी लोक, उसके पीछे भी रेस्टोरेंट मैंने देखा यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं पर्सनली गया वहां पर, कुछ तो पहचान गए, जो नहीं पहचाने बस यही पूछे कि आप लोग यहां से वो रास्ता कहां पर है, तो वो बोले कि भैया आप यहां से चले जाओ, तो मैंने पूछा आप लोग यहीं पर रहते क्या, नहीं नहीं भैया हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ने आज तैयारी कर रहे हैं, तो हम बोले आपका क्लास नहीं चल रहा है, तो उनका कहना था भैया क्लास तो आज एब्सेंट कर दिए, यार गजब है यार, इतना खराब लगा ना मुझे, गजब आप क्लास एब्सेंट कर दिए बस, और बोलना वीडियो में सही नहीं है यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे आप लोग ना पागल हो जा रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं खराब नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि प्यार मत करिए, प्यार खराब है, अगर कुछ बोलेंगे तो आप लोग भी एक्शन कुछ कमेंट्स में गाली वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आज नहीं कल तो आपको समझ में आएगा जब परिस्थिति आती है ना। मैं हमेशा से यह मानता हूं कि लाइफ में जब हैप्पीनेस है, जब लाइफ में खुशी है ना, तब आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जब लाइफ सही ट्रैक पर चल रही है, जब लाइफ सही से चल रही है ना, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। किस लिए करना पड़ेगा, जब आपका दुख वाला पार्ट है, दुख मतलब क्या होता है, जब प्रॉब्लम वाला पार्ट आए तो जो सुख वाला मेहनत है वहां पर कम तो थोड़ा, अब दुख तो पूरा खत्म नहीं हो सकता जब दुख आएगा, लेकिन हाँ जब आपकी खुशी में थोड़ा मेहनत किए हैं तो वो मेहनत जब दुख वाला दिन आए तो थोड़ा बैलेंस करकर चले, उतना दर्द हमको ना हो। तो मैं हमेशा मानता हूं जब सुखी वाला पार्ट आए तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए इंसान को, ताकि जब दुख आए तो थोड़ा सा दुख हो। अब मैं बात एक बताता हूं कि हो क्या रहा है ना, अब देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, होता क्या है कि जो वर्ड है लव, अब मैं लव के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं तो आप बोलोगे भैया आप प्यार के खिलाफ हो, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं यार, आप लोग थोड़ा एक्सेप्ट करना। देखो क्या होता है ना कि आप मान लो किसी से स्टार्टिंग में बात करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, हाँ यार लव है, वो है, ठीक है, मेरा केयर कर रही है, मेरा केयर कर रहा है, डेली हल्का फुल्का बात होता है, फिर कहीं ना कहीं सच्चाई है, एक साल बाद दो साल बाद आपको भी लगने लगेगा, उसको भी लगने लगेगा कि यार हम लोग एक नहीं हो सकते, या फिर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने लगेगा, तो आप लोग सोचोगे कि दूर होते हैं उसके लिए, या फिर आप सोचेंगे हम उसके लिए अलग हो जाए ताकि वो खुश रह सके, फिर वो सोचेंगे कि हम दूर हो जाए वो खुश रह सके, तो ये सब आपके माइंड में चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप चाह कर भी ना दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके माइंड में क्या आएगा, बात भले आप 10 दिन मत करो लेकिन आपके माइंड में क्या आएगा कि यार वो मेरे बारे में ही सोच रही होगी, और उसको उधर से लग रहा होगा कि वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, तो ये जो अटैचमेंट है ना वो जल्दी जाता नहीं है, लव इसी को बोलते हैं। और यहां पर आप देखोगे इनडायरेक्टली 2-3 साल के बाद आपने क्या पाया है, कितने जन का अरेंजमेंट लव मैरिज हो पाता है, बहुत कम चांसेस है, तो 2-3 साल बाद में, 2-3 साल के बाद अल्टीमेट आपने पाया क्या है, क्योंकि जिंदगी एक ऐसा चीज है जो आपको जीना है, एक रंग मंच है, जैसे आपको बुढ़ जाता है ना, और मैं हमेशा बोलता हूं एक बार आंख बंद होने के बाद, एक बार मरने के बाद सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ यहीं छूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से लौट कर आओगे कि जीतू भैया फिर से आ गए अपने घर में, अपने प्रॉपर्टी में, इतना पैसा कमा रहे थे फिर से कमाएंगे, एक बार गए तो गए, तो जिंदगी जो है वो जीना है, जितने दिन जिएंगे अच्छे से जिएंगे, मेहनत करेंगे और नाम बनाएंगे, थोड़ा झूठा शान में नहीं, रियल जो खुशी होता है रियल शान में जिएंगे। आप देखो 2-3 साल बाद आपको अल्टीमेट मिलता क्या है, आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये 2-3 साल ऐसा होता है जो आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें कहीं ना कहीं दो इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे, एक तो आपके माँ, दूसरे पापा। आप बोलोगे नहीं भैया ऐसा नहीं है माँ पापा, यह सच्चाई है, कभी भी आप देखना मेरे दोस्त को देखता हूं अगल बगल तो मैं फील करता हूं, हो सके लेकिन सच्चाई बता रहे, बहुत एग्जांपल देखे हैं कि लव करने के बाद जब लव होता है ना, और आपके मम्मी पापा अगर बोल दे कि लव मैच नहीं करना है, फिर भी आप फोर्स करोगे, नहीं मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अब कभी कभी बच्चे अगेंस्ट भी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है इस सब चीज में आपके माँ पापा का जो पड़ला है ना वो भी नीचे चला जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है, इनसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में निस्वार्थ
कोई नहीं कर सकता। तो इनका जो ड्रीम है, जिसके पैसे पर आप ये दुनिया देख रहे हैं, स्विगी जोमेटो पटना में आए हैं, मस्ती कर रहे हैं, ब्रांड पहन रहे हैं, वो जो सब ये सब चीज रेडी हो रहा है ना, ये जो रेडी हो रहा है, ये जो सब चीज रेडी हो रहा है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके मीडिएटर वाले लाइफ में, वो सब इनके मेहनत का एक एक पैसा जुटाकर आप यहां पर शो ऑफ कर रहे हैं। ये सच्चाई है और आगे चलकर इनको ही आप भूल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आप जिस ड्रीम को लेकर निकले हैं घर से, उस ड्रीम के पीछे पागल रहिए जब तक पूरा ना हो जाए, क्योंकि आपको सोचना है जिसके मेहनत से हम लोग यहां तक पहुंचे, पटना में आए हैं, पहले उनके सपने को पूरा करेंगे, जो जिस सपने के लिए हमको यहां भेजे हैं, उसके बाद अपने सपने को देखेंगे, उसके बाद हमारा सपना क्या है। क्योंकि आपको यह भी सोचना पड़ेगा, आपका उम्र कम है और आपके मम्मी पापा का उम्र जो है वो बहुत ज्यादा है, कितने दिन का जिंदगी है ऐसे सोचना है, कितने दिन और हमारे बीच में हमारे मम्मी पापा रहने वाले हैं, हम उतने दिन में उनको क्या दे सकते हैं, ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचेंगे तो आपके बाहर वाले आपको सोचकर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं, तैयारी कहीं भी करो दिल से करो, और कहीं भी जाओ तो माँ पापा के पैसे को बर्बाद मत करो, सोचो हमको क्या देना है उनके रिटर्न में, इसके बदले जो हमारे लिए वो सब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लास आपका टाइमिंग पर स्टार्ट रहेगा, शाम को 6 बजे जैसे आपका आता है मैथ क्लास, 8:30 बजे जीके और 10 बजे रीजनिंग, वो आपका कंटिन्यू रहेगा आज से। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, जो एक्सपीरियंस है पटना में फील किए वो आपको बताएं, तो आप अपना राय भी दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए।